दोस्तों आपके फोन में ये जो स्पीकर है, स्पीकर का आवाज बहुत कम है और ऊपर ये जो स्पीकर है जिसमें कॉल में आवाज सुनते हो, ये वाला स्पीकर का आवाज बहुत कम है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे किस तरीके से स्पीकर का आवाज बढ़ाएं और इस टॉपिक के ऊपर पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ किस तरीके से स्पीकर के आवाज को कई गुना तक बढ़ा सकते हो। लेकिन फोन में एक नया ट्रिक आ चुका है, बस फोन में 3 सेटिंग करोगे और स्पीकर का आवाज कई गुना तक बढ़ जाएगा और ऊपर ये जो स्पीकर है जिसमें कॉल में आवाज सुनते हो, ये वाले स्पीकर का आवाज भी बढ़ जाएगा। जब भी फोन में हेडफोन लगाकर गाने सुनोगे, किसी के साथ बातें करोगे, लाउड साउंड सुनने को मिलेगा और क्लियर साउंड सुनने को मिलेगा। बस फोन में 3 सेटिंग करना है। जो पहले आपको इतना साउंड सुनने को मिल रहा था, 3 सेटिंग करने के बाद आपको इतना ज्यादा साउंड सुनने को मिलेगा। ये वाला स्पीकर का आवाज बढ़ जाएगा, ऊपर ये वाला स्पीकर का आवाज भी बढ़ जाएगा। हेडफोन लगाकर गाने सुनोगे तब भी आपको लाउड साउंड सुनने को मिलेगा। तो वो 3 सेटिंग क्या है फोन में जानने के लिए तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में देखिए छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए, वॉल्यूम इंक्रीज। दोस्तों ये छोटा सा कमेंट लिख कर जरूर से सेंड कर देना। दोस्तों किसी भी कंपनी का एंड्रॉइड फोन हो, सस्ता फोन हो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ फोन में 3 सेटिंग करोगे और स्पीकर का आवाज कई गुना तक बढ़ जाएगा और वो सेटिंग क्या है जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। पहला सेटिंग, फोन में सेटिंग ओपन कीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड एंड वाइब्रेशन सिलेक्ट कीजिए। दोस्तों मैं आपको जो 3 सेटिंग बताऊंगा, अगर आपके फोन में ये 3 सेटिंग नहीं होगा, नंबर 4 सेटिंग बताऊंगा जिसे आपको फोन में करना है। अगर आपके फोन में ये तीनों सेटिंग है तो फिर आपका बल्ले बल्ले है। अगर आपके फोन में ये 3 सेटिंग नहीं होगा, नंबर 4 सेटिंग जरूर से देख के जाना जो आपको फोन में करना है और यकीन मानना फोन में स्पीकर की आवाज कई गुना तक बढ़ जाएगा। और ये पहला सेटिंग है, थोड़ा सा नीचे आइए और नीचे आइए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स, साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है डॉल्बी एटम्स और ये डिफॉल्ट यहाँ पर डिसेबल होगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो यहाँ से आपको एक बार हेडफोन कनेक्ट करना है, हेडफोन एक बार कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद हेडफोन हो या फिर ब्लूटूथ डिवाइस आपको कनेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन एनेबल हो जाएगा, फिर यहाँ से इसे ऑन कर दीजिए। डॉल्बी एटम्स आप सभी को पता है, डॉल्बी एटम्स जो सबसे साउंड अच्छा क्वालिटी मिलता है और लाउड साउंड सुनने को मिलता है, ये ऑप्शन ऑन करना है। फिर नीचे देखिए ऑप्शन है डॉल्बी एटम्स फॉर गेमिंग, इसे भी ऑन कर दीजिए। अगर आप गेम खेलते हो, गेम में आपको चाहते हो क्लियर साउंड सुनने को मिले, जैसे BGMI खेलते हो उसमें क्लियर साउंड आना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपको ऑन करना है। इसे ऑन करने के बाद यहाँ पर इसे हटा दीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर से ऑफ दिखाएगा आपको, लेकिन ये डिफॉल्ट ऑन होगा। जब भी आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस को ऑन करोगे या फिर हेडफोन कनेक्ट करोगे, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अपने आप ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑन है अभी ये दोनों ऑप्शन। अगर मैं यहाँ से हेडफोन देखिए निकालता हूँ, देखिए यहाँ पर ये ऑफ हो गया लेकिन ये ऑन रहता है। देखिए फिर से कनेक्ट किया, दोबारा से ऑन करना नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ब्लूटूथ डिवाइस जब आप ईयरबड या फिर अपने जो हेडफोन आप कनेक्ट करोगे, ये लाउड साउंड सुनने को मिलेगा। डॉल्बी एटम्स एंड डॉल्बी एटम्स फॉर गेमिंग, ये दोनों ऑप्शन ऑन कर देना है। और ये था पहला सेटिंग। दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा सेटिंग है, देखिए नीचे आना है, आपको ऑप्शन मिलेगा देखिए इक्वालाइजर, इक्वालाइजर के ऊपर क्लिक कीजिए और ये नॉर्मल पे सेट होगा। यहाँ पर इसे कस्टम कर दीजिए। कस्टम करने के बाद यहाँ पर ये जो 10 dB, यहाँ पर देखिए 10 dB, इस सबको इस तरीके से सभी को ऊपर कर देना है, ऊपर की तरफ कर दीजिए और यकीन मानना स्पीकर की आवाज 200 गुना तक यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपको कस्टम सिलेक्ट करके इसे ऊपर की तरफ कर देना है, 10 dB सेट करना है। तो ये था दूसरा सेटिंग। अभी जो तीसरा सेटिंग बताऊंगा VIP सेटिंग है, तीसरा सेटिंग VIP सेटिंग है और इसी सेटिंग के अंदर आपको मिलेगा और ये सेटिंग आपको जरूर से करना। देखिए एडाप्ट साउंड, एडाप्ट साउंड यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये डिफॉल्ट ऑफ होगा। यहाँ से आपको ओवर 60 इयर्स ओल्ड ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ओवर 60 इयर्स ओल्ड ये सिलेक्ट करना है। टेस्ट माई हियरिंग यहाँ पर क्लिक करके, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके ये टेस्ट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये सेटिंग का मतलब क्या है, देखिए अंडर 30 इयर्स ओल्ड, यानी जैसे अंडर ओवर 60 इयर्स ओल्ड, जैसे बुढ़ापा होता है तो कम सुनाई देता है ना, जब एज बढ़ता है तो कम सुनाई देता है,
उसी तरीके से यहाँ पर एज के हिसाब से ये सेटिंग क्या करेगा ना, फोन में जो आवाज है, स्पीकर का आवाज है, उसे कई गुना तक बढ़ा देगा। वो सोचेगा, फोन को ये लगेगा कि आपका जो उम्र है वो 60 साल से ऊपर है और आपको सही से सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए आपको ज्यादा साउंड चाहिए। तो ये सेटिंग आपको करना है ओवर 60 इयर्स ओल्ड, इसे कीजिए। यहाँ पर देखिए सेटिंग ऑप्शन है, यहाँ से अगर आप चाहो प्रीव्यू देख सकते हो। यहाँ पर देखिए जो आवाज है कितना लेफ्ट में रहेगा और राइट में रहेगा, यहाँ से ये चेक कर सकते हो, जरूर से ये करना। फिर ऊपर देखिए ऑप्शन है एड अप साउंड फॉर, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मीडिया एंड कॉल्स, इसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें जब भी आप गाने सुनोगे ईयरबड लगाकर या फिर नॉर्मली आप ये वाले स्पीकर से प्ले करोगे, लाउड साउंड सुनना आना चाहिए। कॉल और कॉल में भी ये वाले स्पीकर से आपको काफी तेज आवाज सुनने को मिलेगा, काफी लाउड साउंड सुनने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको मीडिया एंड ऑल कॉल सिलेक्ट कर लेना है। और यकीन माना अगर ये तीन सेटिंग कर लेते हो ना, बहुत ज्यादा लाउड साउंड सुनने को मिलेगा। यकीन मानना ये 101% वर्किंग सेटिंग है जो फोन के अंदर आ चुका है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आपके फोन में ये सेटिंग नहीं है तो फिर आपको नंबर 4 सेटिंग बताऊंगा, नंबर 4 ट्रिक बताऊंगा। अगर आपके फोन में ये सेटिंग है तो आप कर लेना, अगर आपके फोन में ये सेटिंग नहीं है फिर आपको फोन में एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और एप्लीकेशन लिंक नहीं है वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है। देखिए अगर आपके फोन में सेटिंग नहीं होगा तभी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करिए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ओपन करें, जैसे ये मेरे फोन में ये सेटिंग नहीं है, जो सेटिंग मैंने उस फोन में आपको बताया, ये फोन में मेरे सेटिंग नहीं है, तो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन से आपको बता रहा हूँ, वही सेम काम करता है, ठीक है। तो ये परमिशन अलाउ कर देना है। परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर ये रीलाइन पे क्लिक कीजिए, 5 बैंड्स इक्वलाइजर, ये ऑप्शन आपको यहाँ से ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए 175% मैक्स, तो यहाँ से आपको मैक्स सिलेक्ट करना है और इसे ओके कीजिए, और यहाँ पर ये मैक्स पे सेट हो जाएगा, यानी ये 200 गुना तक साउंड यहाँ पर बढ़ जाएगा, आवाज बढ़ जाएगा स्पीकर का आवाज। यहाँ से मैक्स करना है, मैक्स करने के बाद यहाँ पर देखिए चूज योर फेवरेट प्लेयर, यहाँ पर क्लिक कीजिए, और जिस भी मीडिया प्लेयर से आप गाने सुनते हो वो प्लेयर यहाँ पर ओपन होगा, फिर यहाँ से आपको गाने प्ले करके सुनना है। तो बहुत सिंपल सा स्टेप है, बस आपको यहाँ से करना क्या है, ये 3 लाइन पे आना है, यहाँ से 5 बैंड इक्वलाइजर इसे ऑन करना है, इसे मैक्स पे सेट कर दीजिए, यहाँ पर क्लिक करके आपको जिस भी मीडिया प्लेयर से गाना सुनना चाहते हो वो आपको यहाँ से प्ले करके सुन लेना है। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए ये सेटिंग क्यों करना है, कॉल में लाउड साउंड सुनने को मिले, ये सेटिंग आपको करना है। अगर आप चाहते हो ये वाले स्पीकर से भी लाउड साउंड सुनने को मिले तो यहाँ से आपको इसे फुल कर देना है, और यहाँ से भी इसे आपको फुल कर देना है बस, और इसे थोड़ा ऊपर कर दीजिए, ठीक है, पूरा नहीं करना है, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ऊपर करके इसे टेस्ट कर देना कितना साउंड आना चाहिए। और यकीन मानना जब आप कॉल पर किसी के साथ बातें करोगे बहुत ज्यादा लाउड साउंड सुनने को मिलेगा, तेज आवाज आएगा। और एप्लीकेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसा कि मैंने आपसे कहा अगर आपके फोन में यह सेटिंग है तो यह एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके फोन में यह सेटिंग नहीं है यह एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर से पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।